में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज सवाई माधोपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने सर्किट हाउस रोड स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर पहुंचकर बालाजी के दर्शन किए और गत दिनों मंदिर में हुई चोरी की घटना की जानकारी ली। गौरतलब है कि दो दिवस पूर्व पंचमुखी बालाजी मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि को मंदिर के दो संतों को बेहोश कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें दोनों संत गंभीर रूप से बेहोश हो गए थे। चोर मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दानपात्र से करीब 3 लाख की नकदी और संतों के दो मोबाइल फोन एवं बेशकीमती सामान चुरा कर ले गए। चोरी की घटना के दौरान चोरों द्वारा बेहोश किया गया एक संत का अभी भी जिला मुख्यालय के सेविका अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका उपचार जारी है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पंचमुखी बालाजी मंदिर से सीधे सेविका अस्पताल पहुंचे, जहां घायल संत की कुशलक्षेम पूछ कर घटना की जानकारी ली। वारदात के शिकार संत ने आपबीती मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को बताई। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सेविका अस्पताल प्रबंधन को गंभीरता पूर्वक संत का उपचार करने के दिशा निर्देश प्रदान किए। इसके उपरांत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता तथा कलेक्टर खुशाल सिंह से कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर वार्ता की और मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की। ये जो सर्किट हाउस के सामने बालाजी महाराज का स्थान है, बड़ा पवित्र और मान्यता प्राप्त मंदिर है, बहुत भक्त वहाँ पर आते हैं जी। तो वहाँ के जो संत हैं उनको कुछ ऐसी चीज दी गई जिससे बेहोश हो गए और ऐसा कहते हैं कि 3 लाख नकदी को ले गए। उससे पहले भी 2 बार वारदात हुई है और एक भी वारदात वर्कआउट नहीं हुई। जो प्रमुख महात्मा जी उनसे मैं अस्पताल में मिलने आया हूँ, दूसरे मंदिर में मिली और डिस्चार्ज हो गए। अब इसके अलावा जानकारी मिली छोटी मोटी चोरी की घटनाएँ लूट की घटनाएँ शहर में चल रही है, तो मैं अब यहाँ बराबर कैंप रहूँगा। अभी चूँकि आचार संहिता है तो मैं पुलिस को यहाँ बुला नहीं सकता, तो मैं खुद SP साहब से मिलने अभी जाऊँगा और कलेक्टर साहब से भी मिलूँगा। इसमें जो अपना पुल है इस पर जो बार बार जाम लग जाता है, ये बड़ी समस्या बनी हुई है। बाजार में कोई ट्रैफिक जाम रहता है, वो भी एक समस्या है, और जो लॉर्डर से संबंधित इश्यूज है उनकी भी है। पुलिस के लिहाज से पिछले कुछ दिनों से लगातार डॉक्टर साहब। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।